हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पवन, मतलब वेड्स। ठीक है, तो पवन और हवा, ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो दोनों को इंग्लिश में विंड्स ही कहते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? पवन का जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजेंटल होता है, जबकि हवा का जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल होता है। तो देख लेते हैं पहले परिचय कि पवन क्या होता है। पवन का संचरण हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। पवन की दिशा एवं गति दोनों होती है। पवन का जो संचरण होता है, मतलब पवन जब चलती है तो वो उच्च वायुदाब से, जहाँ पे उच्च वायुदाब है, जहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवन की दिशा भी होती है और गति भी होती है। ठीक है, इसे महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। पवन की दिशा को मापते हैं वायुवेग मापी से, और पवन की दिशा का मापन करते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है, पवन की दिशा का मापन किससे करते हैं? वायुवेग मापी से, जबकि पवन की दिशा का पवन की गति का मापन करते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पवन के प्रकार या पवन का वर्गीकरण। तो पवन के तीन प्रकार होते हैं। स्थायी पवन, जिसको हम ग्रहीय पवन भी कहते हैं, परमानेंट विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स। सेकंड आता है हमारा मौसमी पवन, जिसे हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं, और तीसरा आता है स्थानीय पवन। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? ये है स्थानीय पवन। यहाँ स्थाई लिखा हुआ है, ये स्थानीय पवन होगा, लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स में क्या होता है? समुद्री समीर आता है, स्थलीय समीर आता है, घाटी समीर होता है, पर्वतीय सागर होता है। ठीक है, मौसमी पवन में आपका जो मानसूनी हवाएं जो चलती है, ठीक है, उसे जैसे कि गर्मी के दिनों में लू चलता है और ठंडे के दिनों में शीत लहरी चलती है, उसे हम कहते हैं मौसमी पवन। जैसे जी उत्तर से पूर्व की दिशा में, दक्षिण से पश्चिम में। आता है अब स्थायी या ग्रहीय पवन। तो इसमें आता है व्यापारिक पवन होते हैं, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ये तीन प्रकार के पवन होते हैं। तो देखिए, ये तो था पवन का वर्गीकरण। पवन जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जिधर उच्च वायुदाब है, ठीक है, तो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। ठीक है, यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और यहाँ पे है निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो पवनों की जो दिशा होगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगी। ठीक है, ये इधर से नहीं चलेगी बल्कि ये इधर से चलेगी। ठीक है, तो इसी तरह इस प्रकार से पवनों की गति होती है, पवनों की दिशा होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनों की दिशा होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहला देख लेते हैं कि स्थायी या ग्रहीय पवन जिसे कहते हैं वो क्या होते। तो इसे तीन नामों से जाना जाता है, प्राथमिक पवन, स्थायी पवन और प्रचलित पवन। इसे तीन नामों से जाना जाता है। ठीक है, स्थायी पवन तो कहते ही है, ग्रहीय पवन भी कहते हैं, तो प्राथमिक पवन का मतलब भी वही हो गया, स्थायी पवन भी होते हैं, प्रचलित पवन। ठीक है, तो स्थायी पवन में वह पवन जो पृथ्वी पर स्थायी रूप से पूरे वर्ष प्रवाहित होती है उसे स्थायी पवन कहते हैं। ये ऐसे पवन होते हैं जो वर्ष भर चलती रहती है। ये कोई सीजनल इवेंट्स नहीं होते, ये मानसूनी पवन नहीं होती है कि गर्मी के दिनों में चल रही है या सर्दी के दिनों में चल रही, बल्कि ये पूरे वर्ष एक ही गति, पूरे वर्ष समान रूप से ये चलती रहती है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता क्या है? स्थायी पवन पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे कि जो स्थायी पवन होती है वो पूरे वर्ष, अगर पूरब से
अगर पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो पूरे वर्ष वो पूरब से पश्चिम की ओर ही जाएगी, ठीक है। स्थायी पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है। स्थायी पवन जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती है, दाईं ओर। ये फेरल के नियम के अनुसार है। फेरल ने ये बताया कि जो भी पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर घूमेंगी जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूमती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में किधर घूमती है, बाईं ओर घूमती है। ये किसके नियम के अनुसार है, तो ये फेरल के नियम के अनुसार है। फेरल ने ये बताया, फेरल का नियम है। फेरल ने क्या बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो अपने दाहिने ओर चलेंगी, ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो बाईं ओर घूमेंगी, ठीक है। तो ये तो था फेरल के नियम के अनुसार। तो देखिए यहाँ से जो उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं चल रही है तो वो इस तरह से जाएंगी, तो इसका जो आप इस साइड से अपना सर को जो है इस साइड ऊपर में करके देख, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में यानी कि यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं तो इधर जाएंगी, ठीक है। तो अब इधर से जब हम राइट साइड में मुड़ेंगे तो ये हवाएं किधर मुड़ जाएगी, इस साइड में मुड़ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से इनकी गति होगी, इस तरह से ये घूमेंगी, ठीक है। जबकि लेफ्ट साइड में क्योंकि ये इस तरह से हो रहा है तो हम फिर से अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट होने के बाद अब आपको ये देखना है कि आप किधर हैं, ठीक है। मानते हैं आप इधर हैं तो आप इस तरह से खड़े हैं, ठीक है। तो अभी आपका राइट और लेफ्ट कहाँ है, ये आपका बैक है, ठीक है। तो अभी आपका राइट और लेफ्ट कहाँ है, राइट इधर है, ठीक है। तो आपको इस साइड पे मुड़ना है, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अभी आपका फेस सामने की तरफ है, ठीक है। तो अब आपका जो लेफ्ट हुआ वो किस साइड हुआ, अब आपको देख रहा है तो आपका लेफ्ट किधर हुआ, इधर हुआ। तो अब आपको किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, ठीक है। तो हवाएं भी जो है वो इसी तरह से मुड़ती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, और ये किसके नियम के अनुसार है, तो ये इस चीज़ ये नियम फेरल ने दिया था। पवने संवाहनिक बल के कारण पवने संवाहनिक बल के कारण मुड़ती है। संवाहनिक बल है कोरियोलिस बल, और ये कोरियोलिस बल क्यों घूमता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल कार्य करती है। ये कोरियोलिस प्रभाव भी होता है, ठीक है। तो कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव जो है इसको मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगी। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। कोरियोलिस बल किस कारण होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। स्थायी पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, इस तक यहाँ पे लिखा हुआ है। स्थायी पवनें जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। यह महाद्वीप महासागरों के ऊपर विस्तृत रूप से प्रवाहित होती है। यह महाद्वीप एवं महासागरों के ऊपर, जैसे महाद्वीप एवं महासागर के ऊपर में ये प्रवाहित होती रहती है। स्थायी पवन के प्रकार या स्थायी पवन का वर्गीकरण, तो स्थायी पवन तीन प्रकार के होते हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। तो व्यापारिक पवन क्या होती है, व्यापारिक पवन ये देखिए ये सारा पेटी बना हुआ है, ठीक है। वायु देखिए यह उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी है, यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, यह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, यह ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है। इसी प्रकार इससे इधर भी हो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी के बीच कौन सी हवाएं चलती है, तो यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती है। अब उपोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी के बीच
पछुआ पवनी चलती हैं, ठीक है। यहाँ भी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी के बीच ध्रुवीय पवनें चलती हैं। तो अब देखना ये है, देखिए अब क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में है तो पवनों की दिशा किस साइड पे होगी, किस साइड पे पवन मुड़ेगी, तो ये मुड़ेगी दाहिनी ओर, अपने किधर मुड़ेगी, दाहिनी ओर। तो जब पवन इस तरह से घूम रही तो ये देखिए सब इस तरह से घूम गई, ठीक है। और क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में अपने बाईं ओर मुड़ती है तो ये फिर किस तरफ मुड़ेगी, ये इस तरफ मुड़ेगी, ये फिर इस साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। अब पहला देख लेते हैं कि व्यापारिक पवनें जो होती है, ये व्यापारिक पवनें क्या होती है। तो व्यापारिक पवनें जो होती है यह उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है वो उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की ओर होती है। देखिए उत्तर से पूर्व की ओर इसकी दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से पूरब की ओर इसकी दिशा होती है, उत्तर से पूरब की ओर इसकी दिशा होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ इसकी दिशा होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है, ठीक है। और तो देखिए व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, उत्तर पूर्व से किधर होती है, दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ये इस तरह से कुछ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम की तरफ होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ होती है, ठीक है। और ये बहुत से प्राचीन काल में व्यापारियों यहाँ से व्यापारी मतलब इसी रास्ते से व्यापार किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, व्यापारिक पवन। कोरियोलिस बल के अनुसार जो कि फेरल के नियम के अनुसार है, तो ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। व्यापारिक हवाओं के विभिन्न भागों में पर्याप्त अंतर होता है। उपोष्ण उच्च दाब के पास वाला भाग हवाओं के नीचे उतरने के वजह से शुष्क हो जाता है। और देखिए ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ से देखिए 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। और इस प्रकार यह दो अलग अलग धरातलीय हवाओं के बीच में विभाजन करती है। और इसके यहाँ पे जो पेटियाँ हैं, यहाँ पे देखिए जैसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, यहाँ भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। तो ये जो पेटी है ये दो हवाओं के बीच में विभाजन करती है, दो पवनों के बीच में विभाजन करती है। ये पेटी जो है वे विभाजन का काम करती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की जो पेटी है ये व्यापारिक पवन और पछुआ पवन के बीच में विभाजन का कार्य करती है, जिस कारण उसका दाब बढ़ जाता है। यहाँ पर प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थापित होती है जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हवा व्यापारिक हवाओं की विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के पास नीचे उतरती है। देखिए यहाँ से ये नीचे उतरती है,
30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच से ये नीचे उतरती है यहाँ, ठीक है, जिस कारण उसका दाब बढ़ जाता है यहाँ, इस कारण इसी वजह से क्योंकि दाब बढ़ जाता है इसलिए यहाँ पतित चक्रवातीय दशाएँ स्थापित हो जाती है जिससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। इस तरह से यहाँ पे पवन संचार बहुत कम हो पाता है और जो कुछ हवा चलती है वो भी हर सभी दिशा में चलती है। और इससे देखिए शांत, क्योंकि ये शांत क्षेत्र होता है यहाँ पे, ये जो एरिया होता है भूमध्य रेखा का जो एरिया होता है, क्योंकि ये तो शांत एरिया है, शांत जगह है, इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे दे जो जहाज होते थे उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और इस वजह से व्यापारी जो थे वो अपने जहाज़ को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को फेंक देते थे। यहीं पे देखिए व्यापारिक पवन ने जहाँ पे चलती हैं यहीं पे कुछ घोड़े अपने फेंक देते थे और इसी वजह से इसे क्या कहा जाने लगा, अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। इस भाग में पवन के नीचे उतरने की वजह से उपोष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रवातों का आविर्भाव होता है, ठीक है, और यहाँ पे 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर शुष्क मरुस्थल जैसे सहारा, कालाहारी, चिली, पेरू, अटाकामा अरब के रेगिस्तान भी पाए जाते हैं। तो और इसका जो क्षेत्र है महाद्वीपों के पूर्वी खाड़ी का समीप स्थलीय भाग पूर्वी चीन, दक्षिण जापान, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया पर होता है। ठीक है, तो ये तो था व्यापारिक पवन। अब हम देख लेते हैं पछुआ पवन क्या होती है। तो पछुआ पवनी जो होती है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच में चलती है। यहाँ से उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। कौन सी पवन है ये पछुआ पवन है। कितने डिग्री अक्षांशों पर, तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों से, ये 35 डिग्री से तो देखिए 60 डिग्री अक्षांश के बीच में चल रही है, ठीक है। इन हवाओं की ध्रुवीय सीमा में परिवर्तन होता है जहां पर ये गर्म और आर्द्र पछुआ पवने हवा ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती है, वहां पर जो है वो फ्रंट वाताग्र बन जाता है जिन्हें शीतोष्ण वाताग्र कहते हैं। व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा पछुआ पवने जो होती है, पछुआ हवाएं अधिक प्रचंड होती है। इन हवाओं के साथ चक्रवात और प्रतिचक्रवात भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं। इन चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों के कारण पछुआ हवाएं जो है वो स्वभाव इनका स्वभाव जो है वो बदलता रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल बहुत ज़्यादा है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है वो स्थलीय भाग ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ या एक इस कारण यहाँ क्या होती है, जटिलता हो जाती है। और गर्मियों में कम सक्रिय मतलब सामान्य गति वाली पवने और जाड़े में अधिक सक्रिय मतलब अधिक गति वाली पवने हो जाती हैं। सागर के ऊपर चलने की वजह से ये हवाएँ नमी से भरपूर होती है और अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पर्याप्त वर्षा करती है। स्थल में कमी के कारण इनकी गति इतनी तेज होती है कि हवाएं तूफानी हो जाती है, क्योंकि देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थल की कमी है तो इस वजह से यहाँ क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या करती है कि यहाँ हवाएं ना चलकर तूफान चलती है, पछुआ पवनों की तूफान चलती है क्योंकि हवाएं इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है और तेज़ होने का रीज़न है कि यहाँ पे स्थलीय भाग कम है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ क्योंकि बहुत तूफानी हो जाती है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट जो है वो ध्रुवीय पवन है। ध्रुवीय पवन क्या होती है,
तो ध्रुवीय पवन जो होती है वो 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती है। कहाँ चलती है? 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। और ये कैसे चलती है? तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलती है, ठीक है। और ऊपरी वायुमंडल में परिध्रुवीय भंवर की स्थिति होती है। ऊपरी क्षोभ मंडल में पछुआ पवन का प्रवाह होता है। और ये देखिए, इसको ध्रुवीय पवन कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ध्रुवीय पवन हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी पवन कहाँ चलती है, किस प्रकार से चलती है। देखिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, सब में वही हो रहा है। देखिए यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है पवन ये चल रही है। यहाँ भी देखिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये चल रही है। फिर यहाँ देखिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। फिर यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। सब में वही है कि पवने जो है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। अब देखिए, अब आपको अगर ये दिक्कत हो रहा है कि इसको बनाएं कैसे, तो एक इजी सा ट्रिक है इसको बनाने का कि पवनों की दिशा की किस प्रकार से हम निर्धारित करें और एग्ज़ाम में टाइम भी कम लगे। तो आपको क्या करना है कि सिंपल ये देखिए, ठीक है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींचना है और इसी के समानांतर सारे रेखाओं को खींच लेना है, ठीक है। ये खींच लिया हमने। अब देखिए, अब आपको तीर का निशान लगाते जाना है यहाँ, क्योंकि देखिए मैं इसी तरह से इसको याद रखती हूँ इसलिए। अब देखिए, क्योंकि इसका मुंह इस साइड होगा, बीच में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो एरो है वो दोनों साइड पे होगा। तो इसका भी देखिए एरो जो है वो दोनों साइड पे होगा। अब यहाँ पे देखिए एरो जो है वो सामने सामने होगा। बस आपको इसी तरह से इसको याद रखना है और ये बन जाएगा, क्योंकि अब आपको याद रखना है कि यहाँ से ये हो गया व्यापारिक पवन, ये हो गया पछुआ पवन, और ये हो गया लास्ट का ध्रुवीय पवन। ध्रुवों के पास है क्योंकि, इसलिए ध्रुवीय पवन। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और तब तक के लिए टेक केयर।